हेलो ऑल, वेलकम टू मेहमान नवाजी सीजन 4। वेल, आज के हमारे जो होस्ट है, ही इज एन एंटरटेनर, बिग बॉस के घर में रह भी चुके हैं और बहुत सारी बातें करनी है उनसे। आइए मिलते हैं एजाज खान से और देखते हैं एजाज ने कैसा बनाया है अपना आशियाना। आइए मिलते हैं। हेलो एजाज, कैसे हो? ब्लोइंग, आई एम फाइन, हाउ आर यू? प्लीज, वेरी गुड, वेरी गुड। हाउ आर? सो मेहमान नवाजी शो का नाम है एजाज, सो वी थॉट क्योंकि आपके साथ यू नो वी बीन टॉकिंग अ लॉट बिग बॉस के बारे में, तो हमने सोचा क्यों ना देखा जाए किस तरह एजाज का घर उन्होंने आशियाना किस तरह बनाया है और क्या है उनका रूटीन। प्लीज कम, वेलकम यार। पठानों को दो ही चीज़ आती है, हद से ज़्यादा प्यार और बेहद नफरत। हम तो आपसे प्यार करते हैं यार। यू आर ऑलवेज वेलकम एनी टाइम। थैंक यू सो मच। तो फिर आइए देखते हैं, आपका लिविंग एरिया लुक्स वेरी प्रिटी। प्लीज कम। Wow, very pretty house you have, Ajaz. Mashallah, mashallah, mashallah. ये यहाँ पर अभी-अभी shift हुए हो आप? नहीं, दो तीन साल हो गए, mashallah. Interiors की बात करें तो एक royal feel आ रहा है अगर enter होते ही। तो किसका input रहा है सबसे ज़्यादा, आपका, आपकी wife का? सबसे ज़्यादा मेरी wife का और उसकी mummy का और मेरी बहनों का, सबका। बहुत प्यारा घर है, मतलब लिविंग एरिया में ही बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ये जब यहाँ आप देखे तो ये मेरे फादर की पेंटिंग है, ही इज अ वेरी वेरी गुड पेंटर माशाल्लाह। अच्छा, दिस वन एंड दिस इज हिज असिस्टेंट शाहिद रहमान, तो ही हैज लॉट ऑफ असिस्टेंट, दे आर वेरी बिग, बट माय फादर कुड नॉट बिकॉज ही वाज बिजनेसमैन एंड शौक के लिए बनाते थे। अच्छा, बाकी लिविंग एरिया में आपका फेवरेट कॉर्नर कौन सा है यार? मैं यहीं बैठता हूँ, गरीब नवाज है यहाँ पे, गरीब गरीब के नवाज, इनके वली, इनके बादशाह, गरीबों के सरताज। सो यहाँ बैठता हूँ, यहाँ सामने शाम में ये खोल देता हूँ और आराम से उधर। पहले तो अच्छा था लेकिन अभी क्या बिल्डिंगें बन गई है ना, तो ये सब यहाँ पे। अभी ये दो बिल्डिंग बन गई लेकिन फिर भी बहुत खुला खुला है माशाल्लाह, उसके आगे कुछ भी नहीं है। It's like that. I sit here. और बहुत सारी प्यारी प्यारी चीजें दिख रही है जस्ट यहाँ पर। ये सब मेरी वाइफ की बहुत मेहनत है, वो एक्चुअली मेरी वाइफ की जो मदर है वो शी इज अ इंटीरियर डिजाइनर इन हॉलैंड, तो शी इज अ वेरी वेरी बिग इंटीरियर डिजाइनर माशाल्लाह, तो मेरी वाइफ ने सब उन्हीं से सीखा है और ये सब छोटे छोटे आप देख रहे हो ना, ये सब उसी ने, लाइक अ यूरोप स्टाइल, यू नो, ये सब उसका ही काम है। ये फोटो बहुत खास है, आई एम श्योर। यस, ये मेरी माँ है और मैं हूँ, वो है नहीं तो उसकी यादें हैं, तो इसीलिए मैंने उनको यहीं रखा है। एवरीवेयर यू विल फाइंड हर, मेरे दिल में है वो, लेकिन मेरे जहन में है, मेरी रग रग में है, पर क्या है, फोटो रखने से कभी देख लिया तो एक सूरत तो उसकी मेरे जहन में, मेरी आंखों में अंदर है, लेकिन देखने से एक याद तुरंत ताजा हो जाती है उस वक्त की, कि हाँ ये वो वक्त है। और यहाँ पर ये जो है इंडियन सिटिंग, ये किसका आइडिया रहा, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं? ये मेरा आइडिया था, क्योंकि मैं बोला नीचे मेरे दोस्त लोग बहुत आते, कभी वो डायरेक्टर्स राइटर्स आते हैं तो यहाँ बैठ जाते हैं, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, स्टोरी सुना देते हैं, चाय वाय पी लेते हैं, थोड़ा इंडियन भी हो जाता है। राइट, लाइटिंग बहुत अच्छी है, हम यहाँ देख रहे हैं पूरा वुडन जो है सीलिंग पे यूज़ किया गया है, वुड यूज़ किया गया है, ये किसका आइडिया है? ये भी एक्चुअली उसी का आइडिया है, बिकॉज हॉलैंड में आप देखिए वुड ज़्यादा यूज़ करते हैं, यूरोप में ज़्यादा ठंडी रहती है तो ये सब रहता है, तो उन लोग का ये रहता है। और यहाँ पर बैठ के बिग बॉस देखा जाता है? हाँ, यह बिग बॉस के लिए ये रखा हुआ है यहाँ पे, फेवरेट भी है हमारे थोड़े जगह, क्योंकि मेरा सिद्धार्थ शुक्ला एंड असीम, ये दो फेवरेट है, सना भी है। मेरी वाइफ को असीम अच्छा लगता है बिकॉज ही लुक्स लाइक हिज यंगर ब्रदर, हर यंगर ब्रदर, उसके छोटा भाई बिल्कुल वैसा ही दिखता है, वो फॉरेनर है ना उन लोग,
तो माई वाइफ इज फ्रॉम हॉलैंड, राइट, तो उसको वो ज्यादा पसंद है, मुझे भी पसंद है, लेकिन मुझे वो दोनों की दोस्ती ज्यादा पसंद है। ये वो दोनों दोस्त में तीनों रहते तो इंटरटेनमेंट ऑडियंस को ज्यादा मिलता है। जैसे मैं, संग्राम और गौहर होते थे तो हम लोग इंटरटेन, मतलब तो फैंस जो आपस में लड़ते हैं कि नहीं आप असीम को सपोर्ट नहीं करते, आप उसको, मैंने आप देखा होगा, हमेशा मैंने कहा है कि असीम और सिद्धार्थ मेरे फेवरेट है, और ये जब तीनों साथ में होते तो ज्यादा फेवरेट है। तो इनके यही कहूँगा कि आप लोग अंदर अंदर मत लड़िए, फिर आपका आने वाले बिग बॉस में कोई और फेवरेट होगा, फिर और कोई फेवरेट होगा, तो स्प्रेड पॉजिटिविटी यू नो ऑन सोशल मीडिया, राइट। ये तो हुई लिविंग एरिया की बात, वहाँ देख रहे हैं एक प्यारा सा डाइनिंग एरिया है जहाँ पर जाके हम बात आई एम श्योर करेंगे। शुड वी गो अहेड एंड सी योर बेडरूम की? यस प्लीज प्लीज, यू मोस्ट वेलकम। हमने डेकोरेट किया, प्लीज कम। छोटी सी दुनिया, इसे छोटी सी नहीं कहते हम, छोटा सा घर है ये, मगर तुम इसको पसंद कर लो। हेलो, बेडरूम इतना बड़ा, खैर मुंबई में मैंने बहुत कम देखा है। नहीं नहीं होंगे यार, बहुत लोगों के होंगे, बट इट्स वेरी ब्यूटीफुली डन, यू नो, हर एक जगह को यूटिलाइज किया गया है। देखो, घर को घर औरत बनाती है, तो ये मेरी माँ और मेरी बीवी ने बनाया है घर, अब दोस्ती पैसा कमाते हैं। वेरी नाइस। ये वार्डरोब है और यहाँ, हाँ, ये छोटा सा हमारी वाइफ का वार्डरोब है, मेरा सामने वाला है, क्योंकि मेरी चीज़ें ज़्यादा थोड़ी होती है, इनकी थोड़ी कम है, मेरे जूते जैकेट्स ये वो बहुत ज़्यादा है, तो ये मेरी वाइफ का है, उसमें भी नीचे कुछ ना कुछ मेरा ही रखा होगा बेचारा। अच्छा, और यहाँ ये ड्रेसिंग है, परफ्यूम्स मेरे है और ये मेरी वाइफ के है, और हाँ यहाँ पे सब नीचे भी कुछ ये सब, हाँ सब ब्यूटी की चीज़ें रखी हुई है, ऑल दिस माय परफ्यूम गिफ्ट आते खोले भी नहीं है बहुत सारे है, क्योंकि क्या करें ये सब है। एंड मिरर इज वेरी मच इम्पोर्टेंट इन एन एक्टर्स लाइफ। आई लव मिरर, मुझे बहुत पसंद है। वेल, हम भी बात भी कर रहे थे, आपका शू कलेक्शन बहुत ही अच्छा है। यस, आई लव शूज। मेरी माँ मुझे बहुत गालियाँ देती थी, जूते में इतना पैसा डालता है, कभी उसको बोल देता था ये इतने महंगे, अल्लाह मारने लगती थी। पर क्या है, तुम एक्सपेंसिव शूज लो, तो अभी मेरा ये 20 साल का कलेक्शन है। सोचो 20 साल के पहले जो कैल्विन क्लाइन जूता बनाता था वो मेरे पास है, इसे एंटिक शूज, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, आप लोग भी देखिए, 20 साल की मेहनत जूतों का कलेक्शन, इट्स वेरी टफ। मेरे बाद मेरा बेटा पहनेगा, उसका बेटा पहनेगा। वाओ, तो आइए फिर देखते हैं। प्लीज कम। Please welcome. Wow. So ये है खजाना। Oh wow. See, मेरा सबसे expensive shoes मैं आपको दिखाता हूँ। वो ये है। It's a Ferragamo boots. Okay. इसको लिए हुए मैंने हो गए हैं 10 साल। Oh. मतलब समझिए 10 साल पुराना Ferragamo का, जब Ferragamo इंडिया में था भी नहीं। मैंने वॉज इन US, मैंने वहाँ से लिया था। और टॉमी बूट्स, जो टॉमी हिलफिगर, तो आपके फेवरेट कौन से हैं? मेरे फेवरेट तो सभी है, सबसे फेवरेट मेरी माँ ने जो दिए थे वो है, ये मेरी माँ 2 साल पहले मेरी लाई थी, अब तो मेरे साथ है नहीं, तो दिस इज वन। और भी है, ये है मेरी वाइफ लेके आई थी, दिस इज ओरिजिनल स्नैक लेदर, आप टच करिए आपको फील होगा। भाई मेरे पे फतवे मत लगा देना, ये मैंने एम्स्टरडम से लिए हुए है, नहीं तो बोले सांप को मार के जूते बना दिए। वैसे एक बात कहूँ, शायद इसीलिए मैंने मेरी आस्तीन नहीं झटकी, न जाने कितने सांप बेघर हो जाएंगे, फिर हमने उन्हें मारा नहीं, उन सांपों के हमने जूते बना लिए। बहुत प्यारा कलेक्शन है जान आपका। एंड दिस इज वन एंड ओनली वन हार्ली डेविडसन। ओके।
दिस इज हार्ली ओरिजिनल. मेरे पास हार्ली का बाइक भी है ना, तो ये जरूरी है. ये देखो, ये मैं इसमें दो लिया था. जब मुझे कुछ चीज अच्छी लगती है तो मैं दो ले लेता हूँ. स्नैक लेदर बूट्स टू. सेक्सी. तो अब वक्त है मेहमान नवाजी का. आइए आपको मेरा किचन दिखाता हूँ. कुछ बनाता हूँ, कुछ खिलाता हूँ. मुझे कुछ आता तो नहीं है, लेकिन आपको जो अच्छा लगे वो आपका ही किचन है. प्लीज कम. प्लीज कम. सो मुझे ज्यादा कुछ बनाना नहीं आता है. आई ओनली नो स्ट्रॉबेरी एंड बनाना मिल्क शेक, जो मैं प्रोटीन में डाल के पीता हूँ. तो जब आप प्रोटीन पियोगे तो आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो आप बनाना एंड स्ट्रॉबेरीज डाल सकते हो. मिक्सर में डालो, प्रोटीन डालो, मिक्स करो, पी डालो. हाँ, तो ये है मिल्क. तो पहले आप करिए बनाना और स्ट्रॉबेरी डाल दीजिए. आप प्रोटीन तो नहीं पिएंगी, इसलिए मैं प्रोटीन नहीं डालता हूँ. वैसे डाइट में चीट डे कितना होता है आपका? मैं ज्यादा डाइट नहीं करता हूँ भाई. डाइट डाइट नहीं, खा लो, वर्कआउट कर लो यार. सॉरी, मैं हनी डालना भूल गया. तो हनी डालना मत भूलना. हनी इज वेरी इंपॉर्टेंट. हनी का है जानू? डाल दिया? क्या बात है, इसमें पहले दूध में डाल के रखा था. तो बचपन में हम लोग करते ना, घुमा घुमा के. सो ये है द मोस्ट एक्सपेंसिव मिल्क शेक इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि एजाज खान ने बनाया है. आई एम श्योर, क्योंकि आप किचन में, जैसे कि आपने भी कहा, ज्यादा नहीं आते. वाओ, आप पी के देखिए, उसके बाद बोलिए ये क्या चीज है. वाओ, इसको ऐसे खाली लगा के 1 2 3 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलिए. सो फ्रेश एंड सो टेस्टी. या ऑफ कोर्स. और ये आपको इतनी एनर्जी देगा, बिकॉज बनाना एंड स्ट्रॉबेरी टुगेदर विद हनी आपको दिन भर एनर्जी देगा, आपको इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, और बहुत सारे इसके फायदे भी है. यू लाइक इट? आई लव्ड इट. बहुत मजा आया मुझे और मेरी पूरी क्रू को. आपने इतने अच्छे से हमारा स्वागत किया, इतना यम्मी मिल्कशेक प्रोटीन शेक पिलाया. आप लोग खाते नहीं बना, चिकन बिरयानी इतनी अच्छी बनी थी, लेकिन यू आर वेज, तो क्या करो. नो प्रॉब्लम, आई विल हैव वेज बिरयानी नेक्स्ट टाइम. मोस्ट वेलकम, यू आर एनी टाइम. थैंक यू सो मच. एंड दिस इज अ स्मॉल टोकन ऑफ लव फ्रॉम टेली मसाला एंड क्यूटेस फॉर यू. ओह, क्यूटेस, माय गॉड, थैंk you so much, क्यूटेस. But I would give this to my wife because she works so hard. So this is for my wife. Cutest, thank you so much. Ah, wow, nice. तो ये skin product है? Yeah. Thank you so much. Any last message to all the fans out there? आपके लिए मेहमान नवाजी का ये सेगमेंट कैसा रहा? देखो, घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, दिल बड़ा होना चाहिए, ये हमेशा याद रखना. और घर को घर माँ बनाती है, बहन बनाती है, बीवी बनाती है. तो मेरे घर को तो मेरी बीवी और मेरी माँ ने बनाया है. प्लीज़ लव योर पेरेंट्स, लव योर वाइफ, लव योर फैमिली, रिस्पेक्ट देम. बाकी तो नॉटी चीज़ें होती रहती है यार, बट दिस पीपल आर द बेस्ट पीपल. जब सब भाग जाएंगे, ये लोग हमेशा खड़े रहेंगे. Thank you for coming to my house, and you're always welcome. Pleasure. Love Telly Masala and you. Thank you.